सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फॉर ऑल चैनल की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए अफगानिस्तान से F-16 जंगी तैयारे का स्क्रैप लाकर उसे पाकिस्तानी F-16 बनाकर पेश करने की मनसूबाबंदी करने लगा है। एक खबर के मुताबिक इस हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसी रा के 4 अहम जिम्मेदार और अफगान खुफिया एजेंसी NDS के अहम जिम्मेदार भी इस साजिश में इनकी मदद कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि साजिश के तहत अफगानिस्तान से तबाहशुदा F-16 का मलबा लाकर इस पर पाकिस्तानी परचम बनाकर चंद रोज बाद भारतीय हुकाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान करेंगे कि यह उस जहाज का मलबा है जो पाकिस्तान का हमने गिराया है। ज़राए का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने और पाकिस्तान की तरफ से 2 भारतीय तैयारे तबाह करने पर भारत की होने वाली बदनामी को मिटाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस ज़मन में बाकायदा भारत के बड़े मीडिया हाउसेस को भी भारतीय हुकूमत ने पे रोल पर ले रखा है और कोशिश की जा रही है कि आइंदा चंद रोज में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले इस जालसाजी से F-16 तैयारे के मलबे को दिखाया जाएगा। इसके बाद ये भी कोशिश की जाएगी कि अभिनंदन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए जिसमें उसे ये कहलवाने की कोशिश की जाएगी कि वो कहे कि जो पाकिस्तान में उसने बयान दिया वो ज़बरदस्ती लिया गया और मैंने एक F-16 तैयारा गिराया और उसके बाद दूसरे तैयारे के पीछे था कि खुद काबू में आ गया। बावसोक ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारों और NDS की टीम इस जालसाजी में अगर कामयाब हो जाती है तो फिर इसको बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि ये एक खबर ही रहती है या फिर भारत इस पर अमल भी करता है, लेकिन अब तक भारत के साथ जो हुआ है, जो उसके मीडिया के साथ अब तक जो हो चुका है, दुनिया भर में उसे मजाक का निशाना बनाया जा रहा है। यकीनन इससे हम सबको एक जरूर खुशी और कामयाबी मिली है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, अगर ऐसी वीडियो बनती भी है तो ना ही दुनिया और ना ही पाकिस्तान कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज का हामी और नासिर हो और उसे मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।